चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आरक्षण में आरक्षण की बात हुई, चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसी किसी का एससी एसटी में वर्गीकरण हो रहा है, क्रिमिनल लेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। एक कहाँ बात है, भुइया मूसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, के गो आई एस, के गो आई पी एस अफसर हैं, के गो इंजीनियर चीफ हैं, के गो चीफ इंजीनियर हैं, और जो जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं चार जातियाँ उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे, 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, वो भी 7 जज के बेंच ने दिया है, तो क्या विचार करना है इसमें? हम यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का अगर स्वार्थ में प्रभावित हो रहा होगा तो विरोध करेगा, लेकिन अगर जनसाधारण की बात कीजिएगा, अधिकांश लोगों की बात कीजिएगा, आफ्टर ऑल एससी एसटी एक्ट था क्या? जो आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण एक अफर्मेटिव एक्शन है। वैसे तो कानून के सामने सब समान है, संविधान में सब समान है, सबको समान अधिकार है, लेकिन कुछ वंचित गरीब लोगों के वर्गों को एक अफर्मेटिव एक्शन के रूप में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। बाबा साहब तो बोल रहे हैं कि हम कोर्ट तक जाएंगे, वो जहाँ जाए ना, नवमी फेल की बात छोड़ दीजिए, बताइए सब कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, कुछ समझ में आता होगा तब ना कहीं जाएंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो उन लोगों के लिए किया है जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति को लाभ मिल गया, आईएएस बन गया, नेता बन गया या कुछ और बन गया, तो अब तो एक आईएएस जो एससी एसटी है और एक जो दिहाड़ी मजदूर एससी एसटी, दोनों में समानता तो नहीं है। और यह अफर्मेटिव एक्शन जो बनाया गया वो दिहाड़ी मजदूर के लिए बनाया गया है, न कि नेताजी के लिए बनाया गया है, आईएएस अफसर के लिए बनाया गया। चिराग तो कहते हैं कि छुआछूत को लेकर के हम लोग आरक्षण नहीं, तो छुआ चिराग का तो जूठा खाने के लिए ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बोलने से हो गया क्या? छुआछूत कौन चीज का है जी? ये चिराग जी अगर बात कह रहे हैं कि छुआछूत, आज भी अगर चिराग जी अगर छुआछूत की बात करते हैं, जिसकी पहली हीरोइन कंगना रनौत थी, फालतू की बात कर रहे हैं वो, चिराग जी को सब नहीं बोलना चाहिए।